नैनीताल से लेकर नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में बाघों की गिनती का काम 24 फरवरी से शुरू किया जाएगा। 24 फरवरी से आधिकारिक रूप से कैमरा ट्रैप में डाटा रिकॉर्ड होने लगेंगे। आपको बता दें कि प्रथम चरण की शुरुआत में बाघों की गणना 3 प्रभागों के करीब 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के जंगलों में होगी। वहीं 1230 कैमरा ट्रैप की मदद से करीब 150 वनकर्मी बाघों को गिनने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बाघों की गणना की जो हमारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फेज 4 की जो कार्रवाई है वो प्रभाग में गतिमान है और सारे कैमरा ट्रैप्स चेक करके उनमें बैटरीज और जो हमारे कार्ड्स लगने हैं वो सब लगा करके रेडी करके रेंजों में पहुंचा दिए गए हैं और सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी गई और यह कार्य जो है सुचारू रूप से गतिमान है। दरअसल 2014 में हुई गणना में इस क्षेत्र में बाघों को अच्छी आबादी मिली थी और इसे देखते हुए इस बार हर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2 कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। वहीं 25 मार्च को पहला चरण खत्म होने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।